अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ आज, वो भी एक स्पेशल ओकेजन था तो सोचा कि उन्हें आप लोगों को शामिल किया जाए साथ में। और आज का जो प्लान है वो कुछ इस तरह से है कि फराज़ की है बर्थडे। फराज़ कौन है? इज़ माई ब्रदर इन लॉ। आज उसकी है बर्थडे, वो अभी जॉब से आ रहा है, तो हमने प्लान किया है यॉट में, सोचा क्रूज़ डिनर किया जाए, कुछ नया किया जाए। पूरी फैमिली गाड़ी में है, तो वो मेट्रो में आ रहा है अपनी जॉब से, तो हम उसको पिक करेंगे और उसको लेके जाएंगे क्रूज़ पे। उसको झूठ बोला है कि एक दोस्त के घर दावत है, बट हम उसको लेके जा रहे हैं क्रूज़ पे, और वहाँ पे फिर हम उसकी केक सेरेमनी करेंगे, साथ में फराज़ को सरप्राइज़ करते हैं। तो मेरे साथ रहिएगा वीडियो के एंड तक। सी यू लेटर। तो ये हम जद्दाफ मेट्रो स्टेशन पे पहुँच गए हैं, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, वो आ रहा है, तो उसको हम पिक करेंगे कि हम पार्टी में जा रहे हैं लेकिन जाएंगे हम यॉट में और उसको सरप्राइज देंगे, तो आज मज़ा आने वाला है। तो फराज़ को पिक करने के बाद हम पहुंच गए हैं जद्दाफ केनाल पे, जिसको क्रीक केनाल भी कहते हैं, और यहाँ पे क्रूज़ शिप जो खड़े होते हैं वहीं पे हमारी बुकिंग है। तो फराज़ को नहीं पता, मैं उससे बात करता हूँ कैसा लगा। भाई फराज़, सही जगह है भाई, जबरदस्त। कैसा लगा? भाई दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। जैसे कि आज वीकेंड है और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरा दुबई ही क्रूज़ डिनर करने आया है। वहाँ से लाइन शुरू हुई है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ ताकि हमारी भी सीट बन जाए, क्योंकि हमारी बुकिंग तो है, बट इतना क्राउड देख के मुझे लग नहीं रहा कि हमें बैठने की जगह मिलेगी, तो जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। ये भी एक क्रूज़ है, गोल्ड फिश 6। तो ये है वो यॉट जिसकी हमने की थी बुकिंग VIP के नाम पे। लग तो VIP रहा है, लेकिन यहाँ पे आके मुझे पता चला कि कोई फ़र्क नहीं है, आप कोई सा भी पैकेज ले लो, ये सब गेस्ट को एक ही तरह ट्रीट करते हैं, बाकी वो सब लोग स्टोरीज बनाते हैं। अच्छा जी, फाइनली शिप पे बैठ गए। ये इसका आउटडोर बना हुआ है सिटिंग एरिया, ठीक है। मैनेजर मैं हूँ, उस्मान नाम है मेरा, और इंडोर में इनकी फैमिली बैठी हुई है। फाइनली इट्स टाइम टू ड्राइव इन अ वाटर, और हमारे पायलट बिल्कुल रेडी हैं इस क्रूज को चलाने के लिए। अरे हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो। वो अपनी सीट पे आ चुके हैं और मैंने इनसे थोड़ी सी बात की, तो ये कहते हैं मैं बचपन से ड्राइव कर रहा हूँ और ही हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने सोचा कि बाहर का व्यू दिखा दूं कि नाइट विजन कैसा लगता है, तो इतने में मुझे आवाज आई, रोटी घुल गई है। मैंने भी वीडियो वहीं पे छोड़ी और भागा खाने की तरफ के, चलो देखते हैं वहां पे क्या पड़ा हुआ है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 4 डिशेस रख के बैठे हुए यहाँ पे। लिस्ट इन्होंने खाने की ऐसे भेजी थी जैसे 5-स्टार होटल का खाना है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हमारे साथ। खैर अब पैसे दे चुके हैं, आ चुके हैं, अब यहाँ से वापस उतर के मैं जा भी नहीं सकता, अब तो टाइम पे ही वापस जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैंने सबको लीडर बन के मशवरा दिया था कि चलो अब क्रूज डिनर पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे आके खाना खा के कसम से पछतावा हो रहा है कि यार मैंने क्यों सबको मशवरा दिया यहाँ पे आने का, इतना गंदा खाना, सस्ती तरीन ड्रिंक, इतनी गंदी सर्विस, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। चलो खाने को छोड़ो, लेकिन मैं यहाँ का व्यू देख के सब कुछ भूल गया, मुझे तो खाना भी भूल गया। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था बिजनेस बे का, और यहाँ से नाइट विजन में तो और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लेकिन कसम से व्यू बहुत अच्छा था, पैसे पूरे हो गए। लेकिन क्या करूं, मुझे बार बार खाना देख के पछतावा हो रहा है, मुझे बार बार जेहन में आ रहा है मैंने क्यों इनको मशवरा दिया कि आके ये वाला गंदा सा खाना खा लो यार। लेकिन फिर जब मैं व्यू देखता हूं फिर मैं खाना भूल जाता हूं। यार ये अजीब मेरे साथ हो रहा है यार, मैं क्या करूं, व्यू इतना खूबसूरत और खाना उतना ही गंदा था। तो जी एक और नया पंडोरा बॉक्स खुल गया, भाईजान जो है ना वो बिल्लो का लाल का घगरा पहन के आ गए, अब ये करेंगे तनूरा डांस, हमें घूम घूम के दिखाएंगे।
भाईजान ने घूमते घूमते जो है ना वो किसी को किया इशारा कि बत्तियां बुझा दो, नहीं तो मैं नहीं नचना। अब किसी ने बत्तियां बंद कर दी और भाईजान की सिर्फ लाइटें नज़र आ रही हैं और घूम ही जा रहे हैं। मैनू तो इंज लग रहा है जिवें किसी ने लाटू घुमा के छड्डिया होंदा नेरे दे विच, लेकिन खैर भाईजान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बड़ा घूम घूम के दिखाया है। इतनी देर में हमें ख्याल आया कि यार तुम अकेले नहीं हो दुनिया में घूम सकते, हमारा बर्थडे बॉय भी घूम सकता है। इसको किया इशारा कि हमारे बर्थडे बॉय को जरा उठाओ और इसको ये अपना बत्तियों वाला ड्रेस पहनाओ जरा। अब बारी आई जैदू की जो छोटे वाला है, उसको भी बिल्लो का लाल घगरा पहन के घूमना था तो हमने कहा चलो ट्राई करो। बच्चे ने शोखी शोखी में घगरा तो पहन लिया, लेकिन मुझे लगता है घूम घूम के इसको आ गए हैं चक्कर और हो गई इसकी बस। चलो खैर मज़ा आया, अब चलते हैं एक और परफॉर्मेंस की तरफ, जो भाईजान जो है ना घोड़े का मास्क पहन के आए थे। अब आगे हम नीचे, इस भाई ने तो कर दिया मुझे डिसअपॉइंटेड। इसको मैंने सिखाया था कि जैसे रशियन लड़कियां क्लब में बोतल लेके आती हैं ना चमकती हुई बिजलियों की तरह, उस तरह आना, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। ये अकेला चप्पल पहन के पैंट शर्ट पहन के आ गया और लाके केक हमारे सामने रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं अब काटना तो है। फराज के तोते उड़े हुए हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इसको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ पे हम उसकी केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, लेकिन खैर ही वाज सो हैप्पी और फाइनली हमारे पैसे पूरे हो गए। तो जी फाइनली फराज का केक तो गया कट, अब मुंह पे केक मलना बाकी रह गया। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तानियों की बर्थडे नहीं होती जब तक वो मुंह पे केक ना मले, उनको लगता ही नहीं है कि कोई बर्थडे हुई है। सो हियर इज अ बर्थडे बॉय, हाउ वाज योर बर्थडे बाय द वे? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, इट वाज रियली रियली ऑसम, इट्स ग्रेट, मजा आया, इट्स जस्ट ग्रेट। या
तो दोस्तों अब घर जाने का हो गया है टाइम, क्योंकि 2 घंटे हमने पानी में गुजारे, शिप में गुजारे। उसके बाद हमने खाना भी खाया, थोड़ा इंजॉय किया, एंटरटेनमेंट भी हुए। एनीवेज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट सर्विस बहुत बुरी थी। मैं फिर एक बार कहूंगा, जब भी आप क्रूज शिप पे जाएं, अपने पैकेज को कंफर्म करके जाएं, क्योंकि ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बताते कुछ हैं होता कुछ है। अपने पैसे बर्बाद करने से पहले एक दफा वेरीफाई कर लें। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।